हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल डिजिटल स्टडी पर। फ्रेंड्स, 19 अक्टूबर का जो है सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम जो कंडक्ट हो चुका है और हमारे सब्सक्राइबर्स द्वारा हमारे कुछ क्वेश्चन जो हमारे पास आ चुके हैं, तो इस वीडियो में हम जो है सभी क्वेश्चन वो डिस्कस करेंगे जो आज के पेपर में पूछे गए हैं सेकंड शिफ्ट के एग्ज़ाम में। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और बहुत ध्यान से देखिएगा। वीडियो के लास्ट में फ्रेंड्स आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे। और यदि आपसे फ्रेंड्स इस वीडियो का PDF आपको चाहिए हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे सारे PDF आपको एक साथ मिल जाएंगे। और फ्रेंड्स, ये आपके पास मन में कोई डाउट हो या कुछ क्वेश्चंस आप हमें भेजना चाहते हैं तो आप हमारा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड आज का ये वीडियो। क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन यहाँ पर फ्रेंड सेकंड शिफ्ट में जो पूछे गए थे एग्जाम, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन पेपर आया था आज का, तो सब GSC क्वेश्चन जो थे वो थोड़े टफ थे। तो क्वेश्चन था हमारा, स्किल इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो देखिए, स्किल इंडिया के हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर बने हैं प्रियंका चोपड़ा। ठीक है, इसमें प्रियंका चोपड़ा जो है वो राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य के द्वारा मोबाइल त्यौहार नामक योजना की शुरुआत की गई है? तो अभी हाल ही में जो है वो छत्तीसगढ़ सरकार ने मोबाइल त्यौहार नामक की योजना की शुरुआत जो है वो की है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में परियोजना नवलेखा किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो देखिए, मैंने आपको ये डेली करंट अफेयर्स वाले वीडियोज़ में आपको बताया था कि हाल ही में जो है वो परियोजना नवलेखा लॉन्च किया गया है, स्कीम एक, वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये किया गया है गूगल के द्वारा। इस स्कीम में क्या होता था मैंने आपको ये भी बताया था। तो इसकी स्कीम में था फ्रेंड्स कि जो भी क्या नाम है वो होते हैं ना, बहुत सारी भाषाओं को कन्वर्ट करने के लिए होता है, तो वो जो है इसकी स्कीम में गूगल ने लॉन्च किया है अब वो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, कहाँ पर भारत की पहली अंतर्राज्यीय पवन ऊर्जा परियोजना की शुरुआत की गई है? ठीक है, तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा गुजरात। गुजरात राज्य में भारत की पहली अंतर्राज्यीय पवन ऊर्जा की शुरुआत जो है वो की गई है। ठीक है, तो इसमें जिन लोगों ने गुजरात इसका उत्तर दिया था वो बिल्कुल सही थे। तो थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था कुछ, लेकिन जो लोग हमारे जो करंट अफेयर्स का जो डेली क्वेश्चन देखते होंगे तो वो उसमें सब कुछ जो है आपका कुछ बचेगा नहीं, उसमें से सब कुछ उसमें हमें आपका पढ़ाया हुआ है। फिर पूछा गया था, भूटान की राजधानी क्या है? देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन था, भूटान की राजधानी है थिम्फू, आपको कई बार बता भी चुके हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए ये क्वेश्चन था, अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार 2017 किसको मिला है? ठीक है, अर्थशास्त्र में जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है वो किसको मिला है सन 2017 का? तो वो मिला है रिचर्ड थेलर को। ठीक है, रिचर्ड थेलर को जो है वो अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था सन 2017 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिव थापा जो कि बॉक्सर हैं, एक बॉक्सिंग के खिलाड़ी हैं, वो किस राज्य से संबंधित हैं? तो वो संबंधित हमारे असम राज्य से संबंधित हैं। शिव थापा बॉक्सर हैं और वो असम राज्य से संबंधित हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपके लिए जो है वो 1000 प्लस PDF की जो है वो नोट्स आपके लिए तैयार कर रहा हूँ, तो बहुत जल्द जो है मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा। और यदि आपको किसी और टॉपिक पर नोट्स चाहिए हो तो आप मुझे बता देना फ्रेंड्स, उसका PDF में जो है आपको बहुत जल्द बना के दूँगा, जिसमें मैंने क्या क्या टॉपिक रखे हैं आपको ये समझ लेना चाहिए। उसमें रखा है मैंने एक तो खेल और खिलाड़ी रखे हैं, दूसरा कैबिनेट मिनिस्ट्री रखी है पूरा, फिर राज्यों के CM और राज्यपाल हैं, और उसमें जो है वो तमाम बड़ी कंपनियों के CEO हैं, और कुछ प्रमुख पुस्तकें और उनके जो ऑथर हैं वो उसमें लिए गए हैं। ठीक है, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगा वो, बहुत जल्दी मैं आपको जो PDF प्रोवाइड कराऊंगा। यदि आपको कुछ और टॉपिक पर चाहिए तो आप जो है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि सर इसमें ये टॉपिक ऐड कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फिल्म पैडमैन के निर्देशक कौन है? ठीक है, फिल्म पैडमैन के निर्देशक हैं R. Balki। ठीक है, और इसमें जो काम किया है वो किया है अक्षय कुमार ने, आपने से कई लोगों ने फिल्म देखी भी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कर्नाटक में राजनीतिक पार्टी का शासन किस राजनीतिक पार्टी का शासन है? तो देखिए, कर्नाटक में भी हाल ही में एक सरकार बनी है, तो वो गठबंधन की सरकार है और वो है जनता दल यानी JDU और कांग्रेस का शासन है। ठीक है, जनता दल और कांग्रेस का जो है वो गठजोड़ का शासन है। ठीक है, गठबंधन पार्टी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? तो देखिए, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री और कानून मंत्री हैं हमारे रविशंकर प्रसाद जी। ठीक है, रविशंकर प्रसाद जी कौन कौन से मंत्री हैं? इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री और कानून मंत्री हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 है आपका, US ओपन 2018 पुरुष मेंस सिंगल का विनर किसने कौन है? ठीक है, US ओपन 2018 का पुरुष सिंगल
तो वो जीता है नोवाक जोकोविच ने, ठीक है, जो कि सर्बिया से हैं। नोवाक जोकोविच जी जो हैं वो सर्बिया से हैं, और इन्होंने ही जो है वो पुरुष ओपन यूएस ओपन मैन सिंगल में जो है वो 2018 का पुरस्कार जीता है, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन था हमारा पीरियोडिक टेबल से, पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन था कि तीसरे आवर्त में कुल कितने तत्व हैं। तो देखिए तीसरे आवर्त में कुल मिलाकर 8 तत्व हैं, ठीक है, कुल मिलाकर 8 तत्व हैं तीसरे वाले आवर्त में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पे एंड प्ले योजना किस राज्य से संबंधित है। तो अभी हाल ही में दिल्ली सरकार ने जो है पे एंड प्ले योजना की जो है वो शुभारंभ किया है, उसका शुरुआत की है, तो वो ये दिल्ली राज्य से संबंधित है, ठीक है। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली। नेक्स्ट है आपका, इसमें दिल्ली आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है अक्रिय गैसों में से वायु में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, ठीक है। अक्रिय गैसों में से कौन सी गैस है जो वायु में सबसे ज़्यादा जो है वो पाई जाती है, तो उसका नाम आपको यहाँ पर बताना था। तो अब उसमें ये पूछा गया था कि कौन सी ऐसी गैस है जो सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है वायु में, ठीक है। तो वो है आपकी ऑर्गन गैस। ऑर्गन गैस जो है वो सर्वाधिक ज़्यादा जो है पाई जाती है वायु में, अक्रिय जो कि एक ऑर्गन गैस है, और वो जो है वो वायु में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फीफा 2017 बेस्ट प्लेयर का अवार्ड जो है वो किसे मिला है। फीफा विश्व कप में भी हाल ही में वो 2017 का जो बेस्ट प्लेयर का अवार्ड है वो किसको मिला है, तो वो मिला है आपका फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो को, ठीक है। मशहूर फुटबॉल खिलाड़ी हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, इनको जो है वो फीफा 2017 का बेस्ट प्लेयर का अवार्ड मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है। तो देखिए गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है ये आपको मैंने कई बार बता चुका हूँ, ये है मुंबई में आपका, ठीक है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है, मुंबई में है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाल ही में किस देश ने, सॉरी, हाल ही में किस देश ने भारत को एसटीए फर्स्ट देश का दर्जा दिया है। तो देखिए जो अन्य देशों को कोई दर्जा या कोई विशेष वो देना होता है तो वही काम कौन करता है, संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। तो अभी अमेरिका ने हाल ही में भारत को एसटीए फर्स्ट का जो है वो दर्जा दे दिया है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पीरियोडिक टेबल से संबंधित है, जर्मेनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है। तो देखिए जर्मेनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, जिसे हम जी भी लिखते हैं, वो होता है हमारा 32, ठीक है। ये आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्तचाप कितना होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्तचाप देखिए फ्रेंड कितना होता है, वो होता है हमारा 120 से लेकर 80 तक, ठीक है। 120 से मिलीमीटर से लेकर 80 mm तक जो है वो एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्तचाप होता है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिकतम होता है, मतलब किस सबसे अधिक होता है किस रंग का तरंग दैर्ध्य का। तो वो है लाल रंग का जो तरंग दैर्ध्य है वो सबसे अधिक होता है, और जो बैंगनी रंग का है वो सबसे कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता। तो ये बीज होता है फल नहीं होता, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, मैंने आपको पहले भी ये क्वेश्चन पढ़ा चुका हूँ। तो ये होता है फ्रेंड्स साइकस, साइकस का जो पौधा होता है उसमें बीज होता है जिसमें फल नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न किस प्रकार की अभिक्रिया से सबसे हानिकारक विकिरण होता है। तो किस प्रकार की अभिक्रिया सबसे हानिकारक विकिरण होता है, वो होता है हमारा नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया से, ठीक है। विखंडन अभिक्रिया सबसे ज़्यादा हानिकारक होती है। क्वेश्चन नंबर 44 यहाँ पर नेक्स्ट है बोलीविया की राजधानी क्या है। तो देखिए बोलीविया की राजधानी है ला पॉज, ठीक है, ला पॉज बोलीविया की राजधानी है। तो ये आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है आपका कानून और न्याय मंत्री कौन है, वो हैं रविशंकर प्रसाद, जो कि सूचना और सॉरी इलेक्ट्रॉनिक और सूचना मंत्री भी हैं, ठीक है। या मैं आपके जो है वो सेकंड शिफ्ट का 19 अक्टूबर का जो है क्वेश्चन करा दिए हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो फ्रेंड तो वीडियो को लाइक कीजिए, बिल्कुल लाइक कीजिए वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को फ्रेंड शेयर कर दीजिए अपने इतने बार व्हाट्सएप ग्रुप में आपके, और फ्रेंड धन्यवाद आपका जो है वीडियो देखने के लिए।